नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चल मेरे घोड़े। और फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है? सबसे पहले सॉरी, आपको मैं 6 तारीख की अपनी सिलेक्शंस नहीं दे पाया। एक्चुअली 5 तारीख की तो रेस थी नहीं, 4 तारीख दिवाली को दी थी। 6 तारीख मैंने बेंगलोर पे काम किया, सॉरी वो जहाँ कहाँ की थी, यस बेंगलोर, और एक थी कोलकाता। मैंने बेंगलोर पे काम किया हुआ था, वो कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा आप क्या टिप्स दूँ, फिर 6 तारीख के लिए बनाना बहुत टाइम लगता है बनाने में। कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता कि फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बनाऊं और बता दूं, तो समय लगता है, इस वजह से मैं कल आपको दे नहीं पाया। उसके बाद दोस्तों, दिवाली पे जो हमने मैसूर की टिप्स दी थी अच्छी गई, और आशा करता हूँ दिवाली आपकी अच्छी गई होगी। 6 रेसेस थी, टोटल 7 टिप्स दी थी, जिसमें से 6 आई, 7 में से 1 नहीं आई। पहली रेस पे आपको क्लियर कहा था कि 2 ही रेस घोड़े हैं, 7 और 9, 9 या 7, इन दोनों में से कौन विन करेगा, कौन सेकंड थर्ड करेगा ये पक्का नहीं है, लेकिन यही दोनों बोर्ड पे हैं और रिज़ल्ट भी 7, 9, 10 आया। सेकंड रेस पे आपको क्लियर बोला था 8 नंबर की विन प्लेस, 8 जीता। थर्ड रेस पे आपको कहा था 3 की प्लेस ऑब्लिक विन, और 3 नंबर सेकंड आया, रिज़ल्ट 2, 3, 1। फोर्थ रेस अपनी नहीं आई, जिसमें 5 की प्लेस बोली थी, उस पर रिज़ल्ट 4, 3, 7 था। फिर फिफ्थ रेस आपको क्लियर बोला था 3 नंबर फेवरेट होगा, लेकिन आप 4 की ही प्लेस करना, और 3 नंबर बोर्ड आउट था, और रिज़ल्ट था 1, 4, 8, 4 प्लेस आया। उसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट रेस जो मैसूर की थी, उस पर बोला आपको 1 की प्लेस, और 1 प्लेस आया, 2, 1, 6 रिज़ल्ट था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ दिवाली अच्छी गई होगी। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, भाग दौड़ है, आज भी कल भाई दूज था, दिल्ली में ट्रैफिक भी बहुत लग जाता है, इधर उधर आने जाने में बहुत समय लगा। आज सुबह जल्दी उठ के अब आप लोगों के लिए अपनी सिलेक्शंस निकाली, और वो अब आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज पूना 7 नवंबर 2021 रेसेस हैं। एक बार तो कार्ड देखने को इजी लग रहा है, और ऐसा लग भी रहा है कि शायद फेवरेट ही आज आ जाएं, फेवरेट डे हो सकता है। थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन आ रही है बस इसमें, घोड़े मद्रास के ज़्यादा हैं, कुछ उल्टा सीधा ये हो तो हो, अदरवाइज़ लग रहा है सिंपल रेस है और फेवरेट आएंगे। तो चलते हैं अब आज की सिलेक्शंस पे। पहली रेस जो कि है 2000 मीटर की 1:30 बजे, इसमें दोस्तों नंबर 4 मेमोरेबल मोमेंट्स जॉकी ए संदेश फॉर विन प्लेस, तो साथ में बोलना ही है मुझे, प्लेस हो तो आपको प्लेस जरूर करनी है, इस बात का ध्यान रखें। प्लेस सेफ बेट होती है, विन के लिए घोड़ा है, और अगर उसके पास प्लेस है तो आप प्लेस कर लें, चाहे कुछ उसके ऑड्स कम भी हों। और दोस्तों, हर बार बताना पड़ता है, फिर बता रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। आज दोबारा रिपीट करूँगा ये बात। अच्छा, फर्स्ट रेस नंबर 4 फॉर विन प्लेस मेमोरेबल मोमेंट्स जॉकी ए संदेश। सेकेंड रेस 1000 मीटर की है 2 बजे, इसमें 8 घोड़े हैं, ज़्यादातर 8 में से 6 घोड़े तो फर्स्ट रन के हैं, थोड़ा सा संभल के चलना आप। इसमें नंबर 6 इम्परमिनेंस जो कि ए संदेश फॉर विन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस जरूर करना है आपने, अदरवाइज़ रेस नंबर 2
हॉर्स नंबर 6 फॉर विन प्लेस। आज आपको मोस्टली सारे ही घोड़े आपको विन प्लेस के दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड रेस, थर्ड रेस है अगेन 2000 मीटर की 2:30 बजे। अब इसमें क्या पंगा है, सिर्फ 5 घोड़े हैं और ये सेम वो मैसूर की फर्स्ट वाली रेस का वाला काम है। इधर 2 घोड़े बहुत अच्छे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, आर्केडिया और सक्सेसर। इसमें ये दोनों बोर्ड पे होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड यही होने ही चाहिए। सो नंबर 1 बहुत अच्छी प्लेस है, नंबर 2 भी बहुत अच्छी प्लेस है। कौन सा इसमें विन करेगा ये अब सोचने वाली बात है, तो आप ऑड्स के अकॉर्डिंगली देख लेना। घोड़े यही दो बोर्ड पे होंगे, रेस नंबर 3, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद थर्ड रेस पे थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ, अगर पहली दोनों रेस ए संदेश जीत चुका है तो आप थर्ड पे फिर नंबर 1 की विन लगा लेना आर्केडिया, तो फिर ये विन आना चाहिए। यस, थर्ड रेस पे नंबर 1 की विन करना, 2 की प्लेस, वैसे दोनों प्लेस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ रेस 1400 मीटर की 3 बजे, इसमें टोटल 7 घोड़े हैं, प्लेसेस पे 2 रह गई। इसमें नंबर 5 जायंट स्टार जॉकी यश नेरेडू फॉर विन प्लेस, और एक घोड़ा और इसमें जो प्लेस कर सकता है वो है नंबर 4, लेकिन आप ऐसा करें 5 को ही रखें क्योंकि 7 घोड़े हैं, थर्ड हो गया तो आउट हो जाता है। आप नंबर 5 विन प्लेस पे रखें। और एक और बात, खेलो कम जीतो ज़्यादा, पहली दो रेसें आपकी आ चुकी हों तो अगली रेसें चाहे मत करना, प्रॉफिट करके अपना आराम करना। उसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ रेस है 1200 मीटर की 3:30 बजे, इसमें टोटल 8 घोड़े हैं। इसमें जो मेरी चॉइस है वो है नंबर 4 अगस्टस सेसर जॉकी नीरज रावल फॉर विन प्लेस। सो रेस नंबर 5 हॉर्स नंबर 4 फॉर विन प्लेस। उसके बाद फ्रेंड्स सिक्स्थ रेस 1600 मीटर की, आज पूना में लंबी लंबी रेसेस ज़्यादा हैं, 1600 मीटर की 4 बजे। अब इसमें फिर दिक्कत है, 6 घोड़े हैं, प्लेसेस 2 रह जाएंगी। घोड़ा बहुत अच्छा है नंबर 2 एलिसिया जो कि पीएस चौहान फॉर विन प्लेस। सो सिक्स्थ रेस दोस्तों 2 नंबर फॉर विन प्लेस। उसके बाद सेवेंथ रेस 1600 मीटर की 4:30 बजे, इसमें टोटल 12 घोड़े हैं। इसमें जो मेरी चॉइस है वो है नंबर 2 द बाबाजी जॉकी नीरज रावल फॉर विन प्लेस। आप 2 नंबर की विन प्लेस इसमें ट्राई कीजिए, अच्छा है। उसके बाद लास्ट रेस ऑफ द डे एट्थ रेस दोस्तों 1200 मीटर की 5 बजे, ये रेस उतनी अच्छी नहीं है, ओपन रेस आप कह सकते हो, काफ़ी कंपटीशन है इस रेस में, फ्रेश घोड़े भी हैं, फर्स्ट रन वाले हैं, जिनका एक आध रन है वो भी हैं, अच्छे जॉकी भी हैं। सो रेस ये अवॉइड होती हो तो कर लो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इस पे नंबर 7 पेपोली जॉकी पीपी ढेबे फॉर प्लेस, ठीक आउट्स होंगे प्लेस के, आप इसको थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। सो एट्थ रेस या तो अवॉइड करें, अदरवाइज 7 नंबर की प्लेस
मुझे अच्छी लग रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की सिलेक्शंस फॉर पूना 7 नवंबर 2021। बताना मेरा काम है, खेलना ना खेलना आपका काम है। खेलो कम जीतो ज़्यादा पॉलिसी रखें, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सॉरी फॉर लेट पोस्टिंग। कोशिश करूँगा अगली वीडियो जल्दी डाल दूँ, कल भी रेस है। सो अब उस पर वर्कआउट करूँगा, अगर आज शाम तक कर लिया तो आपको वो वीडियो जल्दी भेज दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। जय हिंद।